राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से सत्संग लाभ उठाएं। 4-5 साल के बाद में यहाँ कैथल के आश्रम में ये सत्संग का आयोजन हुआ है। आश्रम ज़्यादा होने की वजह से कई बार कुछ आश्रमों के कार्यक्रम नहीं हो पाते हैं। जो सत्संगी हैं वो आसपास के आश्रमों में पहुंच जाते हैं, लेकिन अब थोड़ा समय था और हमने भी ये महसूस किया कि उसमें भी कभी संभाल होनी चाहिए सत्संगियों की, तो इसलिए ये समय निकालकर, हालांकि आगे आने वाले 30 तारीख को, 30 भी क्यों कहो, 2-3 दिन पहले सेवादार सेवा के काम में पहुंच जाते हैं, बल्कि कहने लगे जी समय थोड़ा नहीं है क्या 30 तारीख वाले सत्संग से पहले ये रख रहे हो। जो मौज की बात होती है वो ना मेरे बस की बात है ना आपके बस की बात है। सत्संगी को ये ख्याल करना चाहिए जो कुछ होता है वो मौज के अधीन होता है। गुरु ग्रंथ साहिब में उसको हुक्म का नाम दिया गया है। जो मालिक का हुक्म होता है, उसकी मर्जी होती है, उसके अनुसार सारे काम होते हैं। अपनी मर्जी कहीं भी नहीं चलती है, और जहाँ कहीं हम ये प्रयास करते हैं कि हम अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, या ये सोचें कि इसमें हमारा हित होगा, वहाँ हम गलती करेंगे, क्योंकि हमारी सोची हुई या हमारी योजनाएं बनाई हुई सफल नहीं होती हैं। होता तो वही है जो मालिक को मंजूर होता है, तो संतों ने उसको मौज का नाम दिया, हुक्म का नाम दिया, खुदा की मर्जी का नाम दिया। तो जब उसकी मौज होती है या वहाँ के जीवों की ज़्यादा तड़प होती है, तो वहाँ ना किसी की कहने की ज़रूरत होती और ना उसमें सिफारिश की ज़रूरत होती। अगर हम ऐसा करते भी हैं तो उसमें कोई ना कोई विघ्न ज़रूर हो जाएगा, वो काम पूर्ण नहीं हो सकता। हम सोच लेते हैं कि हमने ये काम महाराजियों से पूछा था, उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं करना चाहिए था, तो भी हमारी वो बेमानी है, हमारी समझदारी नहीं है। जो सत्संगी होगा, जिसने सत्संग सुने हैं, जिसका विश्वास है, जिसका इत्बार है, तो वो तो उस चीज़ से समझ निकाल लेगा कि जो कुछ हुआ है वो हमारे हित में हुआ है। क्योंकि ये बात आप आम सुनते भी हो कि जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। क्यों है ऐसा? कि वही मौज की बात है। जिस चीज़ में मौज नहीं होगी वो नहीं होगा। जो होने की मौज थी, जो हुक्म था, जो होना था, होना किसको कहते हैं? जो होना चाहिए, जो लेख लिखा गया है वही है। जो विधना ने, जो मालिक ने निश्चित कर दिया वो काम होना है। हम अगर उसमें बाधा डालने की कोशिश करेंगे तो उसको तो होना ही है, लेकिन अगर वो हमारी इच्छा और मर्जी के अनुसार नहीं होगा तो हमें उससे दुख होगा, कष्ट होगा कि मैं ऐसा चाहता था, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हमारी भूल क्या होगी कि हम वहाँ अपनी मर्जी चलाते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज की वाणी आती है
कि गुरु की मर्जी कभी न परखी, हम अपने मन की तो करते हैं। इसलिए गुरुमुखता का नाम दिया गया। गुरुमुख कहते किसको हैं? जो गुरु की आज्ञा में चलता है, जो गुरु के हुक्म को मानता है। गुरु का ये काम तो नहीं है कि किसी का वो नुकसान करेगा या किसी का अहित करेगा। गुरु तो चाहेगा कि सबका भला हो, यहाँ तक कि वो तो पापियों को भी कहते हैं कि उनका भी कल्याण हो, वो भी अपने बुरे रास्ते को छोड़ के अच्छाई, सच्चाई और भक्ति के मार्ग में आएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। क्योंकि वो आते हैं जीवों को सुधारने के लिए। कुछ मंदबुद्धि के लोग ये सोच लेते हैं कि किसी आदमी में कोई बुरी आदत है, यहाँ भी काफ़ी आए होंगे, कहते हैं कि वो शराब पीता है, वो मांस भक्षण करता है, वो चोरियां करता है, वो लड़ाई झगड़े करता है, और वो भी सत्संग में जाता है तो क्या फ़ायदा है। उसके बारे में आप ये नहीं सोचते कि सत्संग में जाने से ही तो सुधार होगा। अगर वो कहीं अच्छी जगह नहीं जाएगा तो बुराइयां उसकी कैसे छूटेंगी? बुराई तो तभी छूटेंगी जब वो उन बुराइयों के बारे में जान जाएगा, समझ जाएगा, उसको ज्ञान हो जाएगा। इंसान कब करता है? दो ही चीज़ों से गलती करता है, या तो लालच के वश होके, या उसको पता नहीं होता, या तो अज्ञान में करता है। अज्ञान में करता है, उसको बोध नहीं है उसका कि मेरा ऐसा करने से इसका क्या परिणाम होगा, या अपने लालच के वश करता है कि उसमें उसका स्वार्थ और लालच जिस चीज़ में होगा उसको करते हुए वो नहीं देखेगा कि ये गलत है या सही है, ये अन्याय है ये न्याय है, इसमें किसी का क्या दुख होगा, तुझे क्या सुख मिलेगा। वो सिर्फ अपना स्वार्थ, अपना मतलब ही देखता है उसमें, या फिर अज्ञान के बस। जिस इंसान को ज्ञान ही नहीं है, उससे गलती से कुछ भी होता है वो गलत है, वो उसमें दोषी भी नहीं होता है इतना ज़्यादा। उसको अगर समझाया जाएगा, बताया जाएगा, उसके दोषों से, उसके अवगुणों से उसको अवगत कराया जाएगा, उसको समझ आ जाएगी, तो उनको छोड़ भी देगा। इसीलिए संतों के सत्संग में जाके बुरे से बुरे इंसान, बुरे कौन इंसान थे? जिन्होंने बुराइयों को अपना लिया। वैसे इंसान बुरा नहीं है। नर तेरा चोला रतन अमोला, जानत है जग सारा। इंसान का चोला तो रत्नों से भी अमोल है, इंसान का चोला बुरा नहीं है। तो बुरे कौन है? जो बुराइयां उन्होंने लगा ली, वो बुराइयों के कारण उसको बुरा कहने लग गए। अगर उसी में वो बुराई निकल जाए तो उसको अच्छा नहीं कहते क्या? जिन जिन ने बुराइयां की, अब औरों की बात छोटो, कहते हैं कि तुलसीदास जी शुरू में पढ़े लिखे नहीं थे। जब वो पढ़े लिखे नहीं थे, अज्ञानी थे, और उनको उनकी पत्नी ने ज्ञान दे दिया, उससे समझ आई, और उससे समझ लेके उन्होंने वो ज्ञान हासिल किया कि रामायण लिख दी तुलसीदास जी ने। आजकल तुलसीदास कृत रामायण को हर जगह पढ़ा जाता है और उसको सबसे उत्तम ग्रंथ मानते हैं। यहाँ तक कि हिंदू धर्म में उसको पांचवा वेद भी कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उसमें हर प्रकार का ज्ञान इतना रोचक ढंग से पेश किया गया है कि जिसके अंदर हमारी सारी सामाजिक बातें, सारी धार्मिक बातें, सारी हमारी जीवन से संबंधित, चाहे वो हमारे चरित्र से संबंधित हैं, चाहे समाज से संबंधित हैं, चाहे परिवार से संबंधित हैं, एक भी बात उसमें नहीं छोड़ी गई कि जिसके बारे में ये कह सकें कि उससे ज्ञान नहीं मिलता। जहाँ कहीं देखोगे भाई भाई का प्यार उसमें है, पिता पुत्र का प्यार उसमें है, माँ पुत्र का प्यार उसमें है, देरानी जिठानी का प्यार उसमें है, और भी कितनी बातों को, जितनों को भी देखोगे कि पिता की आज्ञा का पालन करना उसमें है, कितना भी कष्ट दुख उठाना पड़े। लेकिन आज हम देखते हैं उन बातों को जब नहीं मानते, उन चीज़ों का ज्ञान हमें उस ग्रंथ से अगर मिल जाए और उससे पढ़ने के बाद हमारे विचारों में तब्दीली आ जाए, कितना उस ग्रंथ ने हमारे लिए काम कर दिया। इसीलिए बात तुलसीदास जी की मैं कहना चाहता था, वही तुलसीदास जी
बाद में पढ़ने के बाद में, जिसको गांव में तुलसी दास नहीं, तुलसी राम नहीं, तुलसी भी नहीं, तुलसिया कहते थे, बल्कि आम कहावत की बात में तो अपने आ जाते, कहते कि माया तेरे तीन नाम, तुलसा तुलसी तुलसिया तुलसराम, कि माया के तीन नाम हैं। जब तक वो निर्धन है तब तक तो उसका नाम क्या है, तुलसिया है। अगर वो ठीक मध्यम दर्जे का है तो उसका तुलसा है। अगर वो अमीर है, अगर वो हर प्रकार से अच्छा है, संपन्न है, तो उसका नाम तुलसिया तुलसा नहीं, तुलसी राम, तुलसी दास, तुलसी लाल, मतलब उनके साथ अलंकार लगा के उसको इज्जत और सम्मान के साथ बोलते हैं। तो वही तुलसीदास जी, इतना उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, इतने पढ़े लिखे हुए, लेकिन उन्होंने ज्ञान लेने के बाद उनको तुलसीदास कहने जाने लगे, गोस्वामी जी उनको कहने लगे। तो किस चीज़ की बड़ाई हुई? बड़ाई यह है कि जब तक इंसान अज्ञान में है, उसको समझ नहीं है, किसी अच्छे गुण को अपनाता नहीं है, तब तक किसी और नाम से उसको बुलाया जाता है। तो जब तक हमारे अंदर अवगुण हैं, जो भी हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें बुलाया जाता है। पाप कर्म करने वाले को पापी बोल देते हैं, धर्म करने वाले को धर्मात्मा बोल देते हैं, महान काम करने वाले को महात्मा बोल देते हैं। इसी प्रकार से जो जैसे काम करते गए या जैसे जैसे उनके करतूतों को हमने देखा, वैसा ही उसको नाम दे दिया। लेकिन इंसान का चोला तो बहुत उत्तम था। कहा कि नर तेरा चोला रतन अमोला, जानत है जग सारा, लेकिन कमियां कहाँ पे आ गई कि हमने बुरी संगति के कारण और अपनी इंद्रियों के चाह के कारण और स्वाद रस के कारण हमने उनमें बुरी आदतें लगा ली। वो बुरी आदतें लगाने का मतलब हुआ कि हम सच्चाई से और प्रभु के रास्ते से भटक गए, और उस भटकाव के कारण हमारा जो मकसद था उससे हम चूक गए। हैं सारे कैसे रे मुसाफिर, जो इस शब्द में कहा गया। मुसाफिर किसको कहते हैं? मुसाफिर वो है जिसकी मंजिल कहीं और है और पथिक बन के उसको चलते जाना है, चल रहा है वो। इस दुनिया में जितने भी हम ये जीवधारी आए हैं, चाहे वो किसी भी योनि में, सब के सब मुसाफिर हैं। मुसाफिर यहाँ टिकने वाला कोई है ही नहीं, चलते चलते चल रहे हैं, मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। मौत हमारी मंजिल नहीं है, मौत हमारी मंजिल नहीं है। 84 लाख योनियों में भी किसी जीव को मंजिल नहीं मिलने वाली है। इंसान के चोले में ही वो मंजिल का रास्ता मिलता है। जीव की मंजिल वो है जहाँ से जीव आया था। आया कहाँ से था? ये परम तत्व, परम शक्ति, परमात्मा के साथ अभेद था, उसके साथ अभेद था ये। लेकिन इसमें भेद कैसे पड़ा कि उससे जुदा हुआ। जुदा होने के बाद काल देश में आया, यहाँ माया के साथ मिलोनी हुई और मन ने अपने खेल खेले और इस जीव को धोखे में रख के उस मंजिल में ही इसको भटका के रख दिया। अलग अलग चीज़ें अनेक प्रकार की इसके रास्ते में डाल दी, कहीं लालच, कहीं स्वार्थ, कहीं इसको दूसरी संसार के अनेकों पदार्थ ऐसे किए कि रसों में डबो दिया, भोगों में डबो दिया, बुराइयों में डबो दिया, बुरी लतों में इसको फंसा दिया कि ताकि इस जीव को ये होश ही ना आए कि इसको करना क्या था और इसका ठिकाना कहाँ है और इसको जाना कहाँ था। इसलिए इसको कही है, मुसाफिर तू सोता है। सोने का मतलब ये नहीं कि आंखें बंद करके ये शरीर को विश्राम और आराम दे देना, सो जाना है। सो जाना है कि हम प्रभु की तरफ से अगर हमने मुख मोड़ लिया है, उसको याद नहीं करते हैं, अपने मनुष्य चोले को सार्थक बनाने के लिए अगर हमने नाम भक्ति नहीं की है, सुमरण नहीं करते हैं, अगर ध्यान समाधि नहीं लगाते हैं और संसार के कामों में ही फंस के अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, वो सोते हुए हैं। कबीर साहब ने एक जगह कहा है कि सोवत अड़े नर गए चौरासिर, जागत अड़ा ने जग जीता। जो नर सोए हुए हैं प्रभु की तरफ से, जिनको ज्ञान नहीं, समझ नहीं है, वो जानते नहीं हैं, वो सोए पड़े हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है। लेकिन जो जाग गए, जिन्होंने प्रभु की भक्ति की, ये जान लिया कि मेरा जीवन का उद्देश्य ये नहीं था कि संसार के पदार्थों में फंस जाऊं,
जिन कामों को करके हम खुश होते हैं वह तो सभी करते हैं, जीव जंतु पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी करते हैं। हम कौन सी नई बात करते हैं उनसे अलावा, जो करनी चाहिए थी वो नहीं करते। हमें करना क्या चाहिए था कि किसी पूर्ण पुरुष की खोज करनी चाहिए थी। पूर्ण पुरुष की खोज क्यों करनी चाहिए थी कि वो हमें रास्ता बताता। जिन्होंने उस मंजिल को पा लिया है वही हमें उस रास्ते को दिखा सकता है। इसकी तुलना अनेक बार संतों ने कहीं पारस पत्थर से की है, कहीं दीपक से की है, कहीं उसकी और ऐसी दूसरी चीज़ों से की है कि जिसके कारण वो उनकी बुराइयों से हटा के अच्छाई के रास्ते पर लगा दें। दीपक से की तो दीपक का क्या है कि यहाँ तो उल्टा काम हुआ है। दीपक का काम तो था रोशनी दिखा देना, उस रोशनी के प्रकाश में हमें सब कुछ नज़र आना चाहिए था, गलत क्या है सही क्या है, न्याय क्या है अन्याय क्या है, पाप क्या है पुण्य क्या है, क्या धर्म है, उसमें सब दिखाई देना चाहिए था। इसीलिए ज्ञान वो है। ये और सब ज्ञान जो समझते हो कि कोई कथा को याद कर लेना, कोई ऐतिहासिक बातों को दोहरा देना, ज्ञान नहीं है वो। ठीक है, रोचकता की बात है, डरावनी है, भयानक है, जीव को उनसे तसल्ली होती है। उनको सुनने के बाद जीव को यकीन आता है कि रोचक बात बताई जाती है, उसके दिल में उमंग होता है कि अगर हम भी ऐसा करें तो हमें भी ऐसा ही प्राप्त होगा। अगर उसको डरावनी बातें दिखाई जाती हैं तो इंसान को भय होता है कि ये कष्ट हमसे नहीं सहे जाएंगे। लेकिन इंसान है कि अपना जीवन इन्हीं चीज़ों में बिता देता है, लाख समझाने पर भी नहीं समझता है। क्यों नहीं समझता है कि जिसकी खोज करनी वो हमारे अंदर है और हम ढूंढते कहीं मंदिरों में, कहीं मस्जिदों में, कहीं तीर्थों में, कहीं व्रतों में, इन चीज़ों में भटकते हुए फिरते, नहीं मिलता। लेकिन जिनको सच्ची चाह है, जिनको चाह है राम मिलन की, राम उन्हें मिल जाते हैं। जिनको चाह होती है राम मिलने की, उनको इन चीज़ों की परवाह नहीं होती। ना तो दुनिया के रसों में डूबते हैं, ना वो किसी की कहने के बहकावे की बातों में आते हैं, ना ही इन पाखंडवाद की चीज़ों में फंसते हैं। अरे छोटा सा पद किसी को मिल गया तो अभिमान और घमंड में आ गए। दुनियादारी का पद है, कल को कोई ना कोई गलती होगी, सस्पेंड हो जाओगे, नौकरी से चले जाओगे, कहाँ गई वो तुम्हारी अकड़, एक मिनट में निकलती है। कोई रूप हुसन का अगर कहता है कि मुझे इस चीज़ का घमंड है कि कल को कोई रोग बीमारी लग जाएगी, कोई आपको खुदा ना करे कि ऐसा रोग लग जाए कि जिसके कारण पैरालिसिस हो जाए और शरीर तुम्हारा खुद के नहीं दूसरों के अधीन हो जाओगे, कहा क्या शरीर का अभिमान करना, क्या बल और ताकत का अभिमान करना, क्या रूप हुसन का अभिमान करना मिनट में जाता है। अगर कोई धन का अभिमान करता है कि धन को जाते हुए देर नहीं लगती है, माया के तीन चार साथी हैं, या तो उस धन को ठीक ढंग से प्रयोग में लाओ, दान में, पुण्य में, अच्छाई में, भलाई में, दूसरे लोगों को उसकी सहायता में अगर प्रयोग किया तो तुम्हारा धन वो काम आएगा, वो तुम्हारा काम आएगा। वो तो ऐसा है जैसे तुमने अपने अगत के लिए बो लिया है जिसको तुम काटोगे और उसको प्राप्त करके तुम्हें खुशी मिलेगी। इसीलिए महापुरुषों ने जगह जगह बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने फरमाया कि अगत में मतना बोवे सूल, लागेंगी तेरे मतना बोवे सूल। अरे तुम सूल बोते हो अगत में, जो खोटे मंदे कर्म करके यहाँ से जाते हो, सूल ही तो बोते हो और क्या करते हो। इतनी याद रखो कि तुम्हें अगर कोई कांटा बोएगा तो उसको उसके फूल सूल मिलेंगी, लेकिन तुम अगर फूल बोना सीख के किसी के रास्ते में, तुम्हें कांटे नहीं मिलेंगे, तुम्हें फूल के फूल मिलेंगे। ये कहने का मतलब, अगर बुराई के रास्ते पर चलोगे, बुराई का नतीजा और बुराई का परिणाम तो बुराई ही मिलेगी, लेकिन अगर तुमने बुराई के बदले भी अच्छाई की है तो तुम्हें तो उसके बदले में अच्छाई मिलेगी। बुराई करने वाले का परिणाम बुराई पे छोड़ दो, उसका जो मिलेगा उसको मिलेगा। इसलिए अपनी अगत को सुधारने के लिए इंसान को अपने जगत में अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। तो इन चीज़ों को क्या अभिमान करना, हम अभिमान कर लेते हैं इन चीज़ों का कि मेरे पास ये है। बेटे पोतों का करते हो, बहुत बुरी हालत देखी है, कभी कभी देखते नहीं दुर्घटनाएं हो जाती हैं, एक ही परिवार के आदमी कितने कितने ख़त्म हो जाते हैं। ये रचने वाले ने जो रचना रच रखी है, जो लेख लेके आए हैं, इसलिए हमेशा दो चीज़ों से डर के रहो, एक मौत से, भय रखो मौत का, और भाव रखो सतगुरु में और परमात्मा में। परमात्मा और गुरु में जो भाव रखे वो भाव तुम्हें चढ़ा देगा, तुम्हें बचा देगा। और भय रखो मौत का, हरदम उसको समझो कि मौत तुम्हारे सिर के ऊपर
चील की तरह से मंडराती है, जैसे वो किसी मरे हुए पशु को चील देख लेती है, उसकी देखने की शक्ति बहुत होती है, उसके ऊपर मंडराना शुरू कर देती है वो। इसी प्रकार से हमारे ऊपर भी वो काल हमेशा मंडराता रहता है, जगह टाइम का पता नहीं लगता। कौन कहता है अब आते आते आज सुबह अपने जींद में अपने प्रेमी हैं, बरा गांव के रहने वाले बहुत अच्छे सत्संगी हैं, जवान लड़का था, उसकी बहन ने मकान बनाया था, वहाँ पे गया था, तराई वराई करनी थी, बिजली का तार लगा रखा था, वो गया था अच्छे के लिए, एक बार नहीं दो बार नहीं, घर वालों ने भी इनकार किया, तार जोड़ने लग गया, करंट लग गया, जीवन लीला खत्म हो गई। कोई चाहता है क्या उसके साथ ये घटना हो? नहीं चाहते, लेकिन वो मौत हमेशा उसका इंतजार करती रहती है, वो उसके सिर पर मंडराती रहती है। फिर साहब जैसे संतों ने कही कि इस मौत को जिसका कोई समय नहीं है उसको तो पता है, लेकिन हमें नहीं पता है। इस जीव के लिए यही एक बात अधूरी छोड़ी है कि इसको ये नहीं पता तुझे कब जाना है, अगर ये पता होता इसको तो शायद कोई जीना ही नहीं चाहता। इसीलिए इसके लिए सस्पेंस रखा गया है कि तेरा जीवन पता नहीं कब तक है, लेकिन वो इसलिए रखा गया कि ताकि अनिश्चितता जब बनी रहेगी तो ये हर दम प्रभु को याद रखेगा, इसको डर रहेगा कि क्या पता कब मौत आ जाए। लेकिन फिर भी इंसान मौत से नहीं डरता है, नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? कि जब उसने छलांग जिसने अग्नि में लगा दी, समुद्र में लगा दी, उसको पता है तुझे डूबना है। जो तैरना चाहता है कि मैं डूबना नहीं चाहता, तैरना चाहता हूँ, किनारे की तरफ चला जाएगा, लेकिन तैरना जिसने सीखा है वो जाएगा। इसीलिए नाम भक्ति इस भव सागर से तैरने का तरीका है। ये ऐसा इस भव सागर में जल भरा हुआ है जो जीव को हर प्रकार से दुख और कष्ट देता है, किसी भी प्रकार से उसको चैन और आराम नहीं मिलता, इसलिए ये दुख सागर है। लेकिन सतगुरु इस दुख सागर से छुटवा के सुख सागर में पहुंचा देता है। उस सुख सागर में पहुंचने के लिए सतगुरु तुम्हें अंतर का रास्ता देगा, और ये बाहर की जितनी भी ये काल्पित चीज़ें हैं जिनकी हमने कल्पना कर रखी है कि ये मेरे करने से होता है, इसमें सुख आराम मिलता है, इससे ये होगा उससे वो होगा, हमारी चेती होत नहीं, प्रभु चेती तत्काल, बलि चाहे आकाश को प्रभु पठायो पताल। हमारे चेतने से नहीं, प्रभु के करने से होगा, नहीं तो राजा बलि जो है इंद्र का राज ले लेता, लेकिन प्रभु को मंजूर नहीं थी वो, इसलिए बलि को पताल में जाना पड़ा। बल्कि याद आती है एक बात, नानक साहब मक्का मदीना में गए, मक्का मदीना में गए तो वहाँ रुकनुद्दीन मिले, रुकनुद्दीन पीर थे, उनसे जब बात होने लगी, रुकनुद्दीन कहने लगा कि परमात्मा का महल कैसा है, कैसा है उसका महल? नानक साहब बोले उसका महल जानना चाहता है। उस महल का क्या समझोगे? बोले कि उसमें 12 मेहराब हैं, 56 कंगूरे हैं, उसमें 9 दरवाजे हैं, 2 उसमें झांकियां लगी हैं, और उस अच्छे खासे महल के अंदर वो रहता है। ये जब बात बताई तो बोला कि ये चीज़ें होती क्या हैं? बोला इंसान का शरीर ही तो है, वो मालिक कहीं बाहर नहीं रहता, इसके अंदर में है। अंदर में जब प्रवेश करोगे, इसके 12 बुरुज कौन से हैं? 3 इस हाथ के, 3 इस हाथ के, 3 पैर के, 3 दूसरे पैर के, ये 12 बुरुज हैं, 3-3 मोड़ हैं इनमें देखो। और 56 कंगूरे कौन से हैं? 20 नाखून और 32 दांत, कितने हो गए? 52 कंगूरे हैं, 56 नहीं 52 कंगूरे हैं। और 9 दरवाजे हैं इसमें, 2 आंख, 2 कान नाक, और 2 नीचे मल और पेशाब त्यागने के रास्ते, और 2 झांकियां लगी हुई आंख, 2 झांकी हैं। नोला इस महल के अंदर वो खुदा रहता है, इसमें बांग देता है, कभी रुकता नहीं, आवाज़ देता है, अच्छे खासे महल में बैठ के वो बांग देता है, लेकिन जो इंसान सोया हुआ है वो नहीं सुन सकता उसको। कौन सुनेगा उसको? वो सुनता है जो जागता रहता है। संतों ने उसको सरल मार्ग का नाम दे दिया, सहज योग, कि उसको सहजता से पाया जा सकता है। सहज योग कौन सा? हमारा है सहज योग, सुर शब्द का योग है, जिसमें हर प्रकार से जीव के लिए बताया गया है कि आपको कुछ नहीं करना,
सब प्रकार के अपने संसारी कामों कर्तव्यों की को निभाते हुए उस प्रभु भक्ति में अपने मन को लगाओ। इन चीज़ों को करते हो लेकिन इन चीज़ों को करते हुए भी इन चीज़ों को अपना ना मानो। अगर इनको अपना मानोगे दिल दोगे तो तकलीफ होगी, पछताना पड़ेगा, जबान बंद हो जाएगी, शायद बता भी ना पाओगे। और जिनके लिए हम करते हैं वो सिर्फ अपने स्वार्थ और लालच के लिए ही हमारे साथी हैं, वो सब साथ छोड़ देते हैं, उनका स्वार्थ पूरा होता है तो ठीक है, नहीं उन्हीं के लिए हम वजन भी बन जाते हैं। कहते हैं कि एक बार एक सेठ था, बहुत उसने धन माल कमाया, 3-4 लड़के थे उसके, जितना धन था, बीमार हुआ, सभी को आती है बीमारी बुढ़ापे में। उसने सोचा कि मैं अपना सारा सब कुछ बांट के अपने बच्चों को पहले ही दे दूं, जो कुछ था उनके हिस्से उनको दे के उसका जो बचा उसने क्या किया कि ऐसे तो छीन लेंगे, उसने दीवार में चिणवा दिया। दीवार में चिणवा दिया तो बुढ़ापे में बीमार हुआ, जबान चली गई, बोल नहीं सकता। यारे प्यारे रिश्तेदार मिलने के लिए आते हैं, पूछते हैं कि कुछ दान पुण्य कर दे तू, जो तेरा कुछ है वो दान पुण्य करके जा ताकि तेरी ये बीमारी भी कट जाए, क्योंकि दान की ही यह महिमा है कि दान करने से आदमी की रोग कटते हैं, बीमारी हटती है, पाप कर्म धुलते हैं और उसको वाहवाही भी मिलती है। नहीं, उसका अच्छा परिणाम तो है ही है, चाहे उसको इंसान का मुक्ति तो नहीं होती लेकिन दान पुण्य करने से भी उसको बहुत फायदे होते हैं। तो दुनियादारी की बात ही करने लगे, कुछ दान पुण्य कर जिससे तेरे कष्ट बीमारी दूर होंगी, ये जो तेरे को तकलीफ है, दर्द है शरीर में, तो ये सारे के सारे दूर हट जाएंगे। तो जबान उसकी है नहीं, बोल नहीं सकता, अब इशारा करता है, खाट में से हिल नहीं सकता, दीवारों पे हाथ मारता है कि इन दीवारों में है निकाल लो। वो तो ये कहता है दीवारों में है निकाल लो, लेकिन लड़के समझ जाते हैं कि इसके पास था तो लेकिन दीवारों में चिनवा दिया। अब वो दूसरे लोगों को पता नहीं, वो कहते हैं कि बूढ़ा तो ये कहता है कि जो कुछ था वो दीवारों में लगा दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। ये ऐसे साथी हैं हमारे साथ वाले, तो अंत टाइम में भी ये सोचते हैं कि इसके पास जो कुछ है वो हम ले लें और वो हम सदा के लिए जिएंगे, हमारे ये चीज़ काम आएंगी। ये नहीं पता है ये चीज़ सबको यहीं छोड़ के जाने हैं। ये नहीं सोचता तो मुसाफिर है, इतना सामान कहाँ लेके जाएगा, वहाँ तो कुछ भी नहीं लेके जा सकता, जहाँ सुई भी नहीं लेके जा सकते, इतना सामान किस लिए तैयार करते हो। लेकिन बुद्धि देखो इंसान की, मानता नहीं है, फिर भी अगर उसको बेईमानी की आदत पड़ गई तो बेईमानी में बढ़ता चला जाता है, रुकता ही नहीं है। क्या करेगा, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का संग्रह करके अगर वो किसी के लिए उसमें दान में लगाता है, पुण्य में लगाता है, भलाई में लगाता है, किसी को सहायता करता है तो अच्छी बात है, किसी के काम आती है। लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता तो उसका धन बर्बादी में जाता है, या तो उसको आग ले लेगी, या कोई डॉक्टर हकीम ले लेगा उसको, रोग बीमारी लग जाएगी, या उसको चोर चुरा के ले जाएंगे, उसके पास तो रहना भी नहीं है। इसलिए इन चीज़ों का संग्रह करके हमें किसी प्रकार का सुख नहीं होता। वो चीज़ संग्रह करो जो हमें यहाँ उसकी ना रखवाली करनी पड़े, चोर जिसको चुरा नहीं सकता, अग्नि जिसको जला नहीं सकती, और उसको भाई बेटे कोई बटा नहीं सकता। जो करोगे वो तुम्हारा ही तुम्हारा होगा, यहाँ नहीं, वो काम भी तुम्हारे अगत में भी साथ जाएगी, वो ले जाते हुए भी तुम्हें कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, तुम्हारे जाने से पहले ही वो चीज़ पहुँच जाएगी वहाँ पर। इसलिए जीता रहे, जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हमें उस प्रभु का शुक्र करना चाहिए। लेकिन जो पूरी सार्थकता के साथ में, जिसको ये विश्वास पक्का है कि मैं करूँगा तो मुझे वो मिलेगा, अवश्य मिलेगा, तो उसको अवश्य मिल भी जाता है। और जो मन में सोचता है, जिसको खुद पर अपने आप पर यकीन नहीं है, कहेगा क्या होता है, क्या पता होगा नहीं होगा, क्या ऐसे ही कह देते हैं, ये कहने सुनने की बातें हैं, बस ये तो इन्होंने कह दी, हमने सुन ली, कोई कुछ नहीं है, खाओ पियो, दुनियादारी का काम है, ये हमारे लिए ही तो चीज़ें बनी हैं, अगर इन पदार्थों को कोई नहीं भोगेगा तो इन पदार्थों का क्या होगा। अरे पदार्थ बन के कहीं से नहीं आए, ये पदार्थ इंसान ने बनाए, किस चीज़ के लिए, भोग के लिए बनाए।
भोग से क्या पैदा होगा? भोग से रोग पैदा होगा। रोग में क्या निकलेगा? सोग निकलेगा, दुख निकलेगा, सुख नहीं निकलेगा। कहीं कभी भी देख लेना, भोग से रोग पैदा होता है, रोग से सोग पैदा होता है। इसलिए भोगी जो बन जाता है वो रोगी बन जाता है। भोगी ना बन के तुम नाम के आशिक बनो। जो नाम का आशिक बन जाता है उसको दुनियादारी के लोग कुछ भी कहें, उसके बारे में कुछ भी कहते रहें, उसमें अगर नाम की कुमारी, नाम की दीवानगी उसको मिल गई तो अंतर्मुख जो कमाई करता है उसमें वो मस्त हो जाता है। उसको पता है कि उसने कितनी कीमती चीज़ प्राप्त की है। बाहर की चीज़ें जो प्राप्त करके हंसते हैं उनको एक दिन रोना भी पड़ता है, जो हमने इकट्ठी की है उनको खोना भी पड़ता है, जाएंगी वो चीज़। लेकिन भक्ति रूपी चीज़ कभी खोती नहीं है, जितनी भी करोगे उतनी ही तुम्हारे साथ रहेगी। अगर कोई विक्षेप भी पड़ जाता है करते करते, रास्ते में भी कमी आ जाती है तो भी वो वृथा नहीं जाती। राजा भर्तृहरि को 4 जन्म मिले थे लेकिन उसकी कमाई वृथा नहीं गई। 3 या 4 जन्म में, क्योंकि उसने नाम की कमाई करी थी, एकांत में बैठ के उसने तप किया था, लेकिन उसकी मन की वृत्ति जब बदलती चली गई, कभी हिरण में चला गया, कभी किसी और चीज़ में चला गया, उन चीज़ों में जाने के कारण से उसके जन्म तो अलग अलग होते रहे लेकिन फिर भी उसका भक्ति रूपी बीजा खत्म नहीं हुआ। वो बार बार उसको मनुष्य की योनि में लाता रहा और आखिर में उसकी करनी करवा के मुक्ति के द्वार पे लेके गया। इसलिए भक्ति वो चीज़ है कि कभी भी अगर विक्षेप कभी पड़ जाता है कोई बात नहीं, आगे से उसको जब जन्म मिलेगा तो उसका जीवन वहीं से शुरू हो जाएगा। इसलिए संतों ने फरमाया है कि जिनको चाहे राम मिलन की, राम उन्हें मिल जाते हैं। लेकिन आगे कह दिए कि वाद विवाद में राम नहीं है। अब लोग वाद विवाद करते हैं, किस बात का करते हैं? कोई कहता है कि साधु सारे एक जैसे होते हैं, इन्होंने समाज को बर्बाद करके रख दिया, ये खुद ऐसे हैं तो लोगों को क्या शिक्षा देते होंगे, ये कारोबारी और व्यवसायी बन गए। बात तो ठीक है, धर्म में ये चीज़ गलत है। लेकिन एक इंसान अगर ऐसा हो जाए तो सभी तो नहीं हो जाते ना। वैसे पूरी जाति और पूरी श्रेणी को तो दोष नहीं देना चाहिए ना। हर चीज़ की क्वालिटीज होती है, उनके दर्जे होते हैं। एक निम्न दर्जे का होता है, एक मध्यम दर्जे का होता है, एक उत्तम दर्जे का होता है, तो उसको सबको एक लाइन में नहीं खड़े करते। ये तो ठीक है, लेकिन इन चीज़ों के लिए वाद विवाद की बात नहीं है। क्यों किसी से वाद विवाद करना? वाद विवाद में तो झगड़ा बढ़ता है। आदमी एक कहता है ये होता है, दूसरे कहता है नहीं होता है। हाँ और ना की दुनिया में लड़ाई है, उनकी विचारों की जो भिन्नता होगी वही उनको झगड़े की ओर ले जाएगी, परेशानी की ओर ले जाएगी, उसके मन की भ्रमना और ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो सच्चाई से दूर होता चला जाएगा। इसलिए कहीं वाद विवाद में राम नहीं है, राम ना पूजा पेखी में। पूजा पेखी में भी राम नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, लौकिक भक्ति है, हमें उस भक्ति की ओर ले जाती है। चाहे मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, अगर मस्जिदों में बांग देने से खुदा मिलता तो और दूसरे तो उससे वंचित रह जाते, नहीं मिलता। अगर वो मंदिरों में घंटा बजाने से परमात्मा मिलता किसी को तो फिर दूसरे खाली बैठे रह जाते। लेकिन सबकी अपनी अपनी आस्थाओं से उन्होंने अपनी आस्थाओं का केंद्र बनाया। एक कहता है कि वो गुरुद्वारे में मिलता है, एक कहता है मंदिर में मिलता है, एक कहता है मस्जिद में मिलता है, तो एक कहता है चर्च में मिलता है। लेकिन मिलता है वो कहाँ? उन सब चीज़ों का एक ही मंदिर है, वो है तुम्हारा अपना शरीर, जिसके अंदर में तुम प्रवेश करके देखोगे सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सारे तीर्थ देवी देवता तुम्हारे अंदर में समाये हुए हैं। क्यों समाये हुए हैं? कि सारी की सारी सृष्टि की रचना में 5 तत्व और 3 गुण हैं, और कई है शास्त्रों में साफ लिखी है। अगर कोई ना समझे तो वो अलग बात है, या अपनी समझ से उसको कोई अलग तरीके से व्याख्या करे वो अलग बात है। नहीं तो कही है पिंडे सो ब्रह्मंडे खोजे सो पावे तत्वात्तो में तोरा जीव सतगुरु होए लखावे। जो हमें पिंड में दिखाई देता है, ब्रह्मंड में दिखाई देता है, वो पिंड शरीर के अंदर है। लेकिन पाए मिलेगा किसको? जो खोज करेगा। खोज करने का रास्ता बता दिया, संतों के पास है वो रास्ता, और किसी के पास नहीं है वो रास्ता। क्यों नहीं है? कि संतों ने करनी की है। संत उस मालिक के हुक्म से धरा पर आते हैं। किस लिए? जीवों के कल्याण के लिए आते हैं।
इसलिए उनके लिए सत्संग के माध्यम से उनको रास्ता बताते हैं और करनी करवा के सत्य मार्ग पर चला के बुराइयों से बचा के उनको उस घर का भेद देते हैं, ताकि वो उस मालिक के हुक्म को पूरा कर सकें और जो कल्याण की जीवों की उनके जिम्मेवारी और ड्यूटी लगाई थी उसको पूरी कर सके। इसलिए संत अपना आराम छोड़ के भी, अपने सुख की परवाह ना करके भी जीवों के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उनको भेद दे के खुद उनके पाप को भी अपने सिर के ऊपर लेके चाहते हैं कि हर जीव सुखी हो जाए, हर जीव उस मालिक की भक्ति करे, जो उनके संपर्क में आए उसके कलह कलेश कर्म सब कट जाएं, वो इसी जीवन में उस मुक्ति धाम को पहुंच जाए और उसका जीवन सफल हो जाए। लेकिन अभागे जीव हैं जिनको सारे अवसर मिलते हैं, सारे मौके मिलते हैं, फिर भी वो जो चीज़ संसार के पदार्थ हैं उनमें ऐसे भूले हुए हैं कि वो सोचते हैं कि संसार सत्य है और ये झूठ बोलते हैं। उनको क्या मतलब है झूठ बोलने से, उनको क्या मिलेगा आपको भ्रम पैदा करने से या भ्रम में डालने से? अगर उनका कोई स्वार्थ है, अगर उनका कोई लालच है, अगर वो आपसे कुछ चाहते हैं तो समझो कि ये संत नहीं है, साधु नहीं है, ये कल्याण करने वाला नहीं है, ये स्वार्थी है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो धन का भूखा फिर वो साधु नहीं। साधु का काम तो कितना है कि साधु तो सिर्फ क्या चाहता है कि अगर एक भी जीव उसको मिलता है, वो कहता है कि मुझे ये जीव मिल जाए, इसको भी मैं रास्ता दिखा दूँ, एक जीव को भी भटके हुए को बचा दूंगा, तो भी उसका कितना पुण्य उसको प्राप्त होता है। और एक एक जीव के लिए वो इतना प्रयास करते भी हैं, लेकिन जिन जीवों के सिर के ऊपर काल का पंजा होता है, वो सब कुछ होते हुए अच्छा अवसर मिलता है उनको, हर प्रकार से संपन्न होते हुए भी बुराई के अंदर दौड़े दौड़े जाते हैं, गिर जाते हैं, कहे बिना मेरे से नहीं रहा जाता। यहाँ अपने एक सरदार जी बैठे हुए हैं, जाते आते हैं, बहुत अच्छे हैं, बात करते हैं, अभी आज आए, बोले हमारे घर चलो, मैं चल पड़ूंगा, विचार कर लिया, इतनी देर में मैं तो गलती कर देता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ सदगुरु गलती नहीं करने देता। इतनी देर में उनकी बहन और पत्नी थी, वो कहने लगी जी अब ये शराब पीने लग गया। बोला कि क्या हो गया, मैं फिर छोड़ दूंगा, आप घर आओ हमारे, मतलब मेरा काम इतना सस्ता है कि मैं तो उसके घर जाऊं, वो बुराइयां नहीं छोड़ेगा, ये दुनियादारी है। जब उनको कुछ थोड़ा सा भी लालच दिखता है ये गिर जाते हैं, इनका काबू नहीं है मन पर, ये इंद्रियों और भोगों के रस में डूबे हुए हैं, उनको कौन रास्ता दिखा देगा? लानत है ऐसे जीवों पर, मेरे पास आओ चाहे ना आओ, आएगा वो पक्का, आएगा ना आएगा अपने घर जाओ। लेकिन जो जीव इतना अच्छा अवसर मिलने के बाद भी अपने जीवन को नहीं संवारता है और नहीं सुधारता है, कोई गुरु किसी को कुछ नहीं देगा। सुनो बात और बता दी, जो देता है वो सबके सामने देता है। कभी तुम चाहते हो कि गुरु तुम्हारा भजन कर देगा, नहीं करेगा। कभी तुम चाहते हो गुरु तुम्हारी दरिद्रता खत्म कर देगा, नहीं करेगा। कभी तुम चाहते हो गुरु तुम्हारा पाप कर्म अपने सिर ले लेगा, नहीं लेगा। आप कहोगे फिर क्या फायदा गुरु का, ये संसारी चीजें हैं। इसका मतलब तुम ये फायदे लेने के पास गुरु के पास आते हो। अरे गुरु जो फायदा देता है वो तुम नहीं लेते, गुरु तुम्हें मुक्ति देता है। ये बार बार के दुखड़े आज नए नहीं हैं, ये तो तुम्हारी पुरानी कहानी है। हर जन्म में ये काम करते आए हो, हर जन्म में वादा खिलाफी की है, हर जन्म में कहते आए हो कि मुझे एक बार इंसान का चोला दे दे। साहूकार की पूंजी लाए देनी ना बिचारी, पूंजी लेके और वादा खिलाफी करते हो तुम। वहाँ तो कह के आते थे मुझे नरक से बाहर करो, मैं करनी करूँगा, भक्ति करूँगा, नाम जपूंगा और फिर मुड़ के आपके चरणों में आके ऐसे उसी तरह विलीन हो जाऊंगा जैसे मैं पहले रहता था, मैं उस बूंद की भांति आप सागर में उसी तरह समा जाऊंगा जैसे कि पूरा सागर हिलोरे मारता है, फिर मेरा बार बार जन्म नहीं होगा। लेकिन गिर जाते हैं, हम डूब जाते हैं लालच के बस होके, इंद्रियों के बस होके, थोड़े से सुख के बस होके। क्या सुख है, कितनी देर का सुख है, बुरी हालत करते हैं, शराब कबाब में जीवन बर्बाद करते हो, घर वालों को बर्बाद करते हो, बुद्धि को भ्रष्ट करते हो, समाज में बेइज्जती होती है, मरने के बाद नरकों में जाना पड़ता है, गंदा पानी पीते हो, पाप कर्म है,
माँ बहन की इज्जत और कोई फर्क तुम्हें नजर नहीं आता। शराब के नशे में तुम माँ को तो पत्नी कह देते हो और पत्नी को माँ कह देते हो। शराबियों का जीवन है कोई? इससे अच्छा तो आदमी जिंदा फाया लेके मर जाए तो अच्छा है। क्या जीवन है उस इंसान का जो ऐसे कर्म में लिपायमान हो जाता है, जिसके दिल में कोई किसी प्रकार का भी धर्म कर्म बाकी नहीं रह जाता। प्रेमियों, पहली चीज है इंसान बुराइयों से बचे, पहली चीज है चरित्रवान बने। वो अगर जिस इंसान का चरित्र ही अच्छा नहीं होगा क्या कर लेगा वो? सब प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, मन इंद्रिय का संयम रखे, खान पान का अपना पूरा ध्यान रखे। फिर दूसरा नंबर आता है कि संसार की चीजों की तरफ अपने मन को इतना ना लगाए कि उनके पीछे भागते भागते उन्हीं का रूप हो जाए। वो जिसके पीछे भागना चाहिए उसको याद रखो, परमात्मा के पीछे तुम भागोगे वो चीजें तुम्हारे पीछे भागेंगी। सब आए उस एक में, डाल पात फल मूल, अब लेने को क्या रहा गए जब पकड़ा मूल। अरे जब मूल को हमने पकड़ लिया तो फल पत्ते डाली टहनी पकड़ने की जरूरत नहीं है हमें। मूल को पकड़ लोगे सारी चीजें उसके साथ अपने आप आ जाएंगी। तो प्रभु का नाम उस मूल की भांति है, उसको पकड़ लेने के बाद सारी चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं। दुनिया के सारे सुख तुच्छ लगने लगते हैं, जीवन इंसान का खुशियों से भर जाता है, आनंद विभोर रहता है, हमेशा मगन रहता है, मन उसका उसको परेशान नहीं करता, इंद्रियों के भोग रोग उसको तड़फाते नहीं हैं, दुनियादारी की चीज़ों की तरफ उसका मोह का बंधन है वो अपने आप कम होता चला जाता है। पता है कि तू मुसाफिर है ये संसार की, और इस मुसाफिर खाने की चीज़ें हैं तेरी नहीं हैं, सबको यहीं छोड़ के जाना है। उपयोग करता है जरूर तो उपयोग करो, उपयोग करने के बाद ये चीज़ें यहीं रह जानी हैं। अगर इसको देख के कोई जागता नहीं है फिर भी सोता रहता है तो भूल है उसकी। इसीलिए संतों ने परीक्षा की, अनेक बार परीक्षा की अपने शिष्यों की। निजामुद्दीन औलिया के 12 शिष्य थे और 12 के 12 गुरु बनने के लायक हो गए थे, लेकिन गुरु जानता है कि कौन इस योग्य है। लेकिन आज वो जमाना भी नहीं है कि गुरु किसी की परीक्षा भी नहीं करता। और निजामुद्दीन ने जब परीक्षा की उनकी तो एक ही बाकी बचा, 21 के 21 छोड़ के चले गए। क्या परीक्षा की? निजामुद्दीन ने अपने 22 शिष्यों को एक दिन कहा कि चलो बाजार में चलते हैं, और लेके जब बाजार में जाते हैं घूमते घुमाते लोगों ने देखा, ये दुनिया देखती है, इंसान अपने विचारों के अनुसार दूसरे को भी सोचता ही ऐसा होगा। बुरे विचारों का आदमी दूसरे इंसान को अच्छा कभी नहीं सोच सकता, अच्छे विचार का इंसान दूसरे को कभी बुरा नहीं मानता, वो भी सोचता है ये तेरे जैसा होगा। अगर हम अपना ख्याल अच्छा रखते हैं तो हमारे लिए सारी दुनिया अच्छी है। अगर हमने अपने ख्यालात में जैसा चश्मा चढ़ा लिया वैसा ही रंग दिखाई देगा, काला लगाओगे काला दिखाई देगा, हरा लगाओगे हरा दिखाई देगा, पीला लगाओगे पीला दिखाई देगा। दोष किसका? हमारा नहीं है, चश्मे का है। हमने अपने ख्यालात का चश्मा जैसा लगा लिया हमें दुनिया वैसी ही नजर आएगी। बाजार में से जाते हैं लोग, देखते हैं दुनियादारी के, कहते हैं कि लो भाई आज तो पीर साहब भी बाजारों की सैर करते हैं, शिष्य भी साथ में है, लो ये गुरुवाई है, ये शिष्यता है, ये धर्म है, और ये धर्म प्रचारक हैं, ये लोगों के जीवन का उत्थान और कल्याण करेंगे। तरह तरह की बात जिसके मन में आती है बोले जाते हैं। निजामुद्दीन आगे आगे 22 शिष्य साथ में, एक बाजार से दूसरे में, दूसरे से तीसरे बाजार में होते हुए और फिर गंदी गली में चले गए। वहाँ देखने के बाद तो बस लोगों ने कहना ही और शुरू कर दिया कि ये लो भाई आज महात्माओं की पोल खुल गई, अच्छी तरह खुल गई कि देखो किस गली में लेके आए हैं आज इनके, जो भी इनके मन में होगा। अब तक ये गुप्त रहते थे, आज प्रकट हो गए। अरे संत की मौज कौन जानता, आई मौज फकीर की दिया झोंपड़ा फूक। संतों की मौज को बिरला आदमी समझता है। स्वामी जी महाराज ने भी लिखी है, वो कहते कोई कोई जीव होए अनुरागी, निंदा से वो छिन छिन भागी। अनुरागी जीव कोई कोई होता है, और जो अनुरागी होता है
वो उस निंदा की परवाह नहीं करता क्योंकि उसको सच्चाई का ज्ञान है। तो वहां जब गए, शिष्यों के मन में भी अब तो खराब ख्याल हो गया उनका, कहने लगे आज गुरु साहब के क्या मन में है, कहां से कहां चल के आ गए। वहां जब उस जगह पे आए, आके और एक कोठे के ऊपर चढ़ गए। कोठे पे चढ़ के वहां जो लड़की थी जो वेश्या का काम करती थी, हाथ जोड़े प्रणाम किए, चरण लिए कि धन्य भाग मेरे, अहो भाग्य मेरे, पापण के घर संत पधारे, मेरा कोई पिछला संस्कार जाग उठा, मेरे पर कैसे कृपा की, हे महापुरुषो आओ, हाँ आपने तो पवित्र कर दिया मुझे, भागण के घर आप कैसे आए। जिन लोगों को नहीं मिलता वो उस चीज की कदर ये करते हैं, हर इंसान जानता है मैं कितना सच्चा हूं, हर इंसान जानता है मैं क्या पाप कर्म करता हूं, हर इंसान ये भी जानता है कि उसका परिणाम भी क्या होगा, लेकिन पहला धोखा अपने आप को ही देता है, कहता है नहीं सब करते हैं मैं करता हूं, क्या गलत कर दिया, उससे भी नहीं करता तो कहता है क्या औरों से तो कम ही करता हूं, और ज्यादा करते मैं थोड़ा बहुत करता हूं, इसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन ये नहीं सोचता कि पाप का कोई तोल मोल नहीं होता, पाप छोटा हो बड़ा हो पाप है, बुराई की आदत डाल ली आज छोटी की अकल को बड़ी भी करोगे, बुराई को शुरू में रोक देनी चाहिए, पनपने नहीं देनी चाहिए, नहीं वही बुराई घातक बनके विनाश का कारण बन जाती है। इसीलिए संतों ने कही कि संत उसको जानिए जो साची कहे बना, कह जुड़े कह टूटे बिन कहे भरम ना जा, सच्ची बात कह देने वाला हो, या तो टूटनी होगी शुरू में टूट जाएगी जाओ अपना, या ऐसी जुड़ जाएगी कभी टूटती नहीं है, बिना कहे भरम नहीं निकलता कभी, भरम में जब पड़े रहेंगे तो भरम तो बहुत बड़ी एक खाई और दीवार बन जाती है जो कभी टूटने में नहीं आती, फिर बढ़ती चली जाती है। अब निजामुद्दीन की यह हालत है, ऊपर जाने के बाद कहने लगे कि बेटी एक काम करो, बोले क्या नौकर है तेरा, बोली है, बोले एक रस की बोतल लाल रंग की, चार रोटियां और एक दाल की कटोरी किसी दूसरी जगह से मंगवा दे, लेकिन उसको ढक के ले आए। बोतल लोग देखें, उसने ऐसा ही किया, नौकर को बोल दिया, शिष्य नीचे 22 खड़े हैं, जब वो नौकर लेके आ देते उसी टाइम चल दिए कि गुरु साहब तो आज डूब गए, वेश्या के कोठे पर गुरु चले, गुरु का काम वेश्या के कोठे पर क्या, गुरु का अपना काम है, गुरु जानता है गुरु को क्या करना है, गुरु किस मकसद से आया है, तुम्हारे छोटे विचार तुम सोचते हो कि ये कोई गंदा कर्म करने के लिए उसके पास आया है, ये गंदा कर्म करने के लिए उसको यही जगह मिलती है, क्या अपनी पूरे जीवन की करी हुई कमाई को वो 2 मिनट में बर्बाद कर देगा, क्या उसमें इतनी समझ ज्ञान विवेक नहीं है जो दूसरों को ज्ञान देता है, बहाव में बह जाता अलग बात है, आंखें भी हमारी धोखा खा जाती हैं, कुछ का कुछ देखती हैं, कुछ का कुछ हम सुनते हैं, लेकिन भ्रम बन जाता है। आते तो वहीं चले गए कि देख लिया हम नहीं रखते ऐसे गुरु को। जब नौकर वो लेके आया थाली में रस की बोतल रोटियां दाल, उसको देख के बाकी रहे खड़े थे वो भी चल दे बने, कुछ और देर से चले गए, कुछ और देर से, कहने लगे बेटी कोई कमरा हो तो मुझे वो बता दे, मैं 2 घड़ी आराम कर लूँगा। आराम करने के लिए उसने कमरा बताया, बस सुबह को जल्दी गुरु महाराज उठे, निजामुद्दीन जी उठने के बाद नीचे आए, नीचे आए तो एक खड़ा सिर्फ, खुसरुद्दीन 21 गए, एक बचा। अमरदास जी के टाइम में भी ऐसा ही हुआ था, 70 बार चूतरे बनवाए थे, गुरु परीक्षा लेते परखते हैं कौन गुरुमुख है, कोई बिरला उसमें खरा उतरता है, उसमें भी और ये कह के चले गए थे कि गुरु अमरदास तो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी बुद्धि खराब हो गई है, बार बार चूतरे तुड़वाते हैं उनको क्या पता, और फिर कहते हैं रामदास तुम भी बेवकूफ है चल यहां से क्या करेगा, नोले अरे नालायक हो
अगर गुरु की बुद्धि खराब होगी तो पूरी सृष्टि बर्बाद होगी। तुमने गुरु को नहीं जाना, गुरु नाम है किसका, गुरु नाम समझ का है। तुम्हें विवेक नहीं, समझ नहीं, ज्ञान नहीं है, गुरु को तुमने जाना ही नहीं। गुरु को जो परमात्मा रूप समझ लेता है वो गुरु का दोष नहीं देखता है, वो सिर्फ गुरु से ज्ञान लेता है, गुरु को परमात्मा रूप समझता है और गुरु उसको सर्वस्व नजर आते हैं। जो जो सर्वस्व समझता है उसके सारे दुखों का, कष्टों का, कलेशों का नाश भी उन्हीं का होता है। निजामुद्दीन बोले कि और कहाँ गए, बोले कि और तो सब गए, कुछ तो पहले चले गए थे, कुछ बाद में चले गए, कुछ और बाद में चले गए। बोले तू नहीं गया, बोले मैं कहाँ जाता। कितना कठिन रास्ता है, लेकिन जो कहीं नहीं जाता, जिसको गुरु के चरणों में ठिकाना मिल जाता है, उसको सब कुछ मिल जाता है। बोला कि मेरा ठिकाना आपके चरणों में है, इसीलिए शब्द लिखा ना कि तेरे चरणों के सिवाय गुरु मेरा कहां ठिकाना। शिष्य क्या ठिकाना, गुरु के चरण में होता है। अगर गुरु के चरण में उसने ठिकाना बना लिया, उसको परवाह नहीं ना दोजख की, ना सवरक की, ना मुक्ति की, ना जुक्ति की, ना युक्ति की, ना नाम की। तुम कहते हो कि सुमरण नहीं होता, तुम कहते हो ध्यान नहीं लगता, एक मिनट में लगता है। ध्यान को भटका रखा है, ध्यान तो और किसी को दे रखा है, किसी ने पत्नी को, किसी ने बच्चों को, किसी ने धन को, किसी ने आराम को, किसी ने इंद्रिय सुख को। अरे गुरु को तो दिया ही नहीं आपने कभी मन, नाम में कब लगाया था मन, बोलो बोलो, अगर लगाया हो तो क्यों कहते हो फिर। अगर गुरु को तुम मन देते, गुरु में ध्यान लगाते, गुरु में दिल को जोड़ते, कोई शिकायत शिकवा होती नहीं, मस्त रहते, ना मौत की परवाह होती, ना जीने की तमन्ना रहती। ये तो इंसान कब करता है, जब दुनिया में रहता है। जो दुनिया से बाहर हुआ बेपरवाह हो गया। इसीलिए कही कि वाद विवाद में राम नहीं है। क्यों किसी से वाद विवाद करते हो, मैं ये करता हूं, मैं इतनी भक्ति करता हूं, मैं इतने घंटे जागता हूं। कहां जागते हो, दृष्टि लालच में है, दृष्टि चोरी में है, दृष्टि पाखंड में है, कहाँ है। वाद विवाद में राम नहीं है। राम ने पूजा पेखी में, राम दास ने राम को देखा, सहज ही देखा देखी में। ये है सहज योग। सहज योग ये है, सारे काम करो, किसी से भी इनकार नहीं करते, सहज ही देखा देखी में। नहीं मिल जाए तो मेरे पास आना, किसी ने दावा नहीं किया। मैं कहूँ सू बुराइयां मिटा दो अपनी, और फिर देखो तमाशा कि तुम्हारा मन लगता है कि नहीं लगता। अरे मन तो भागता रहता है तुम्हारा इंद्रियों के पीछे, मन भागता रहता है संसारी पदार्थों के पीछे, मन भागता रहता है तुम्हारे स्वार्थ और लालच के पीछे। हम तो कहते हैं निषेध है ये चीज, इनके पीछे क्यों भगाते हो, गुरु के पीछे भगाओ ना। कभी भगाया गुरु के पीछे, गुरु को मानस रूप समझता। सो जीव जानो अपघाती, उन संकाल करे उत्पाती। गुरु की आज्ञा में नहीं रहते, गुरु के वचन को नहीं मानते, गुरु भक्ति को नहीं जानते। गुरु भक्ति जिन्होंने जानी उनको परमात्मा ने गले लगा लिया, उसी टाइम लगा लिया, पल की देरी नहीं की। जिनके गीत गाते हो ने, कहते हो नामदेव की छान छबादी, कबीर का यज्ञ पूरा कर दिया, अजामेल को नारायण कहने से मिलने के लिए आ गया, और सैन भगत के लिए वो नाई का काम करने के लिए तैयार हो गया। क्यों हो गया भाई, सहज योग, एकदम सहज हो गए वो। बड़े बड़े पाप सारी जिंदगी करते रहे, आखिर में नारायण का नाम लेने से नारायण ने कल्याण कर दिया, सहज भाव में हो गया। हम तो कहते हैं हम दो दो घंटे ध्यान लगाते हैं, किस चीज का ध्यान लगाते हैं। दो घंटे ध्यान लगाने वाला तो सिर्फ ध्यान ही ध्यान रह जाता, कोई चीज रहती नहीं। लेकिन जब ध्यान से उठते हो तो संसारी चीजों की ज्यादा लगन और चाह लिए के उठते हो। अगर ध्यान सच्चा लगाते और अंतर में जुड़ते सतगुरु के चरणों से, तो सब कुछ भूल जाते और सिर्फ सतगुरु के रह जाते। मैं ना किसी किताब की बात कहूँ भाई, कबीर साहब ने कही वो बात है, ने बोला कि तुम कहते कागज लिखी, मैं कहता हूँ आंखों देखी, तुम कहते उलझाऊन हारी, मैं कहता सुलझाऊन हारी।
तुम कहते हो सोते रही हो, मैं कहता हूँ जागत रही हो। तो सोओगे तो खोओगे, जागोगे तो पाओगे। जागना सीख जाओ, सोना भूल जाओ, खूब आराम से अपने जीवन को खुशी से जियो। सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, तन से सेवा करो, मन से प्रभु के नाम का जाप करो। धन अगर आपके है तो दान करो, पुण्य करो, गरीबों की मदद करो, अच्छे चरित्रवान बनो, शुद्ध आचरण, पवित्र आचरण रखो, मीठी भाषा बोलो, किसी को दुख ना दो। जो किसी को दुख देता है उसको सुख नहीं मिलेगा। सबको सुख दो, माँ बाप की, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत के कदर करो, सेवा करो, उनको सम्मान दो। उनसे हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है, और अब भी अगर उनकी सेवा करोगे और वो खुले मन से खुश होकर जो आशीर्वाद देंगे वो फलीभूत होगा। उससे हमारे बड़े से बड़े पाप नष्ट होंगे, हमें जीवन की खुशियाँ मिलेंगी, और हर प्रकार से रोगों से दोषों से मुक्त कर देगा उनका आशीर्वाद। वो लेते ही नहीं हैं, उनको दुखी करते हैं। वो बददुआ तो बेचारे नहीं दे सकते, लेकिन वो खुश भी नहीं रह सकते। उनसे बददुआ निकलती नहीं है, आशीर्वाद हम लेते नहीं हैं। तो इसलिए उनकी जो शक्ति है वो उन्हीं के पास रह जाती है, वो अपना मन महसूस के अपनी जगह पर रह जाते हैं। इसलिए उनको सुखी करोगे, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, पानी की बर्बादी ना करो, भ्रूण हत्या जैसा पाप से बचो। बेटियों के लिए आज इतना प्रचार किया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है कि हमने पाप का रास्ता अपना लिया है। जुल्म करते हैं, अन्याय करते हैं, हम गर्भ में ही लड़कियों को मार देते हैं। लालच के लिए डॉक्टर लोग भी ऐसा करते हैं, चोरी छिपे पैसे उनको मिलते हैं, अखबारों में रोजाना देखते हैं, कहीं मशीन पकड़ी गई, कहीं उनको अबॉर्शन करते हुए पकड़े गए। क्यों ऐसा पाप जुल्म कमाते हैं? ब्रह्म हत्या का पाप, कितने ब्रह्म हत्याओं का पाप वो डॉक्टर अपने सिर लेते होंगे जो ऐसा पाप कर्म कमाते हैं। ऐसे पाप कर्मों से बचो। गऊ माता की कोई देख रेख नहीं करता, बुरी हालत है। देखते हैं कहीं किसी के खेत में चली जाती है, किसी के घर में चली जाती हैं, घर से निकाल देते हैं, दूध पीते हैं, दूध देती है तब तक ठीक है, कोई कुल्हाड़ी से काटता है, कोई किसी को किसी तरह ही चोट, किसी की टांग तोड़ दी जाती है, वो बेचारी अपाहिज दुखित कहीं सड़कों पे, कहीं रास्तों पे भटकती फिरती है। अगर वो तो गौ माता की आवाज़ भी निकलती हो तो बोलती है तो भी बोलती है माँ, मारते हो तो भी कहती है माँ। हम हिंदू होके उसको माँ कहते हैं और उसकी अवस्था और हालत ये करते हैं। जो इन चीज़ों को नहीं देखता वो किस धर्म का पालन करता है? धार्मिक बनने के लिए पहले मार्मिक भी बनो। मर्म होना चाहिए दिल में, दर्द होना चाहिए किसी के प्रति, संवेदना भावना होनी चाहिए, इंसान हो, दुख दर्द को समझ सकते हो। वो तो पशु हैं, नहीं जानते इस बात को, लेकिन हमें पता है कि अगर वो तकलीफ जो उनको होती है तो कैसे बर्दाश्त करती हैं। इसलिए प्रेमियों, अच्छे रास्ते पे चलते हो, बुराइयों को छोड़ो। ये शराब, बीड़ी, जुआ, मांस मिट्टी, अंडे खाना राक्षसी चीज है, इनका परित्याग करो, अच्छे रास्ते अपनाओ, सच्चाई के मार्ग पर चलो। सेवा, प्रेम और भक्ति, इन चीज़ों में अपना मन दो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। सबको आशीर्वाद। राधा।